इंस्टाग्राम गाइड जो है ऑलमोस्ट हर एक क्रिएटर्स के लिए जो है अवेलेबल कर दिया गया है, एंड आप इंस्टाग्राम गाइड पे इजीली जो है गाइड फीचर का जो है यूज़ कर सकते हो एंड इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से इंस्टाग्राम को यूज़ करना है, इंस्टाग्राम में गाइड को यूज़ करना है, किस तरीके से गाइड का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेना है, उसका जो है बेनिफिट्स क्या है इंस्टाग्राम गाइड के, इंस्टाग्राम गाइड को क्रिएट किस तरीके से करना है। हे एवरीवन, दिस इज विकास रॉय एंड आज के वीडियो में बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम गाइड के बारे में। सो इंस्टाग्राम गाइड में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ पे हम देख लेते हैं कि इंस्टाग्राम गाइड को क्रिएट कैसे करते हैं, इस फीचर का किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आना है हम अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर एंड क्लिक करना है अपनी प्रोफाइल पे। अगर अभी तक आपने एक भी इंस्टाग्राम गाइड क्रिएट नहीं किया है तो आपको अपने प्रोफाइल पे क्लिक करके ये प्लस आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे आपको गाइड का ऑप्शन दिखेगा। सो गाइड पे आप टैप जैसे ही करोगे यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस दिखते हैं, जहाँ पे प्लेस, प्रोडक्ट्स एंड पोस्ट, इन तीन तरीके के गाइड्स को जो है आप क्रिएट कर सकते हो। सो हम यूजुअली जो है पोस्ट को ही लेके गाइड क्रिएट करते हैं। सो हम पोस्ट पे टैप करेंगे एंड यहाँ से आपको चूज़ करना है उन पोस्ट जिनको आप ऐड करना चाहते हो अपने गाइड के अंदर। तो मैं यहाँ से नॉर्मली आपको दिखाने के लिए कुछ पोस्ट को जो है चूज़ कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप जब पोस्ट को चूज़ कर लेते हो आपको टैप करना है नेक्स्ट पे, एंड आप जैसा देख सकते हो यहाँ पे आपको टाइटल ऐड करना है, उसके बाद आप कवर चेंज कर सकते हो। बट प्रॉब्लम यह है कि कवर के अंदर आप कोई एडिशनल इमेज को ऐड नहीं कर सकते, जो इमेजेस ऑलरेडी आपने अपने इंस्टाग्राम में अपलोड किए हुए हैं उन्हीं इमेजेस का जो है यूज़ कर सकते हो। इसका एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से कवर को चेंज करना है। और ठीक है, इसके अंदर आप सेव्ड इमेजेस कर सकते हो और गाइड से ही जो है इमेजेस को ले सकते हो। तो इस चीज़ है, इन चीज़ों का अगर कवर को आपको अलग से कवर ऐड करना वो पॉसिबल नहीं है इस टाइम पे, मे भी आगे जाके इसका जो अपडेट आएगा तो उसके अंदर हो सकता है। उसके बाद आपको अपने गाइड का जो अबाउट अस है या डिस्क्रिप्शन है वो चीज़ को ऐड करनी है। सेकंड, अब आपको हर एक पोस्ट के अंदर आपको एक टाइटल ऐड करना है और टाइटल मैंडेटरी है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। उसके साथ साथ आप हर एक पोस्ट के लिए थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करवा सकते हो। तो एंड इस तरीके से आप और पोस्ट को भी ऐड कर सकते हो और जो है टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट पे टैप जैसे ही करोगे आपका गाइड जो है हो जाएगा। एंड जब आप गाइड अपलोड कर दोगे तो गाइड आपको कुछ इस तरीके का दिखता है, जहाँ पे आपका सारे हर एक पोस्ट को शो होता है एंड उस पर आप टैप करके जो है पोस्ट को देख सकते हो। तो ये फीचर है गाइड का एंड इस तरीके से आपको क्रिएट करना है गाइड को। सो गाइड का एडवांटेज क्या है, देखो गाइड का जो फर्स्ट जो एंड मेन जो एडवांटेज मुझे पर्सनली लगती है वो है ये कि जब आपका जो पुराना कंटेंट है अगर वो अपनी ऑडियंस को आप दिखाना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि बार बार उसको आपको पोस्ट करना पड़े, तो आप उसके एक गाइड जो है क्रिएट कर सकते हो। गाइड के थ्रू जो है अपनी ऑडियंस को बता सकते हो कि ये कंटेंट को दोबारा से देख सकते हैं। क्यूरेट करना ईजी हो जाता है कॉन्टेंट का। नेक्स्ट चीज़ जो बेनिफिट है इसका वो है ये कि फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपने जो है अपने कॉन्टेंट के एक कॉन्टेंट को 5 पार्ट्स के अंदर क्रिएट किया है, मे बी हो सकता है वो आपने रेगुलर बेसिस पर अपलोड नहीं किया हो, मतलब आज आपने एक पार्ट अपलोड किया, 2-3 दिन बाद एक अपलोड किया, लेकिन उसके बीच में आपने 2-3 कंटेंट और अपलोड कर दिए। सो वहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी ऑडियंस है उसको सर्च करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप गाइड पे जो है इस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हो एंड वहाँ से जो है आप जितने भी आपके सीरीज ऑफ पोस्ट हैं उनको एक गाइड के अंदर ऐड कर सकते हो, ताकि आपकी जो ऑडियंस है वो डायरेक्टली गाइड पे क्लिक करे एंड वो 5 के 5 पार्ट्स को जो है एक साथ ही देख ले। तो ये मेन बेनिफिट है गाइड का एंड मेरे अकॉर्डिंग यही जो है आपको भी यूज़ करना चाहिए कि आप एक कंटेंट का जो है 5 जो है पार्ट्स क्रिएट करो या 3 से 4 पार्ट्स क्रिएट करो, उसको एज ए गाइड में ऐड करो, ताकि आपकी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करने पड़े कंटेंट को सर्च करने के अंदर, वो एक साथ ही 5 पार्ट्स को देख ले। फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिएट करते हो हैशटैग्स के, आपने अगर 5 पोस्ट क्रिएट किए हुए जिसके अंदर आपने टूल्स बताए, स्ट्रैटेजी बताई, अदर स्ट्रैटेजीज को भी एक्सप्लेन किया हुआ है, मतलब काफ़ी टाइम से अगर आप इंस्टाग्राम मार्केटिंग करते हो तो आप डेफिनेटली हैशटैग के ऊपर बहुत से पोस्ट क्रिएट कर चुके हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी ऑडियंस जो है इस चीज़ को देखे तो आप उन सारे पोस्ट को एक गाइड के अंदर ऐड कर सकते हो एंड देन उस चीज़ को आप अपनी ऑडियंस को दिखा सकते हो कि अगर हैशटैग से रिलेटेड पोस्ट चाहिए तो आप डायरेक्टली इस गाइड पे आओ एंड सारे हैशटैग से रिलेटेड पोस्ट जो है उनको देखने को मिल जाएंगे। तो वो चीज़ भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, तो इसका भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। एक प्रेडिक्शन है मेरी गाइड को लेकर कि जैसा कि जानते हैं गाइड जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है फेसबुक के इंस्टेंट आर्टिकल की तरह, एंड मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जैसे
हम मोनेटाइजेशन का फीचर आ रहा है इंस्टाग्राम के ऊपर, तो वो मे भी गाइड को भी मोनेटाइज करेंगे और वहाँ पे जो है डिस्प्ले एड शो करेंगे एंड वहाँ से आप अर्निंग भी कर सकते हो। तो ये मेरा प्रेडिक्शन है, बस मे भी ऐसा हो सकता है। सो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी गाइड के बारे में। अगर अभी तक आपने गाइड नहीं क्रिएट किया तो आप गाइड क्रिएट कर सकते हो, और अगर आप मेरे गाइड्स देखना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे मैंने रिसेंटली गाइड ऐड करना स्टार्ट कर दी है अपने सारे कॉन्टेंट्स से रिलेटेड। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना अगर आप नए हो तो, अदरवाइज चैनल वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो हर एक उस पर्सन को जो ग्रो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।